अरे आज आप लोग पता है अपने रजनीकांत सर का बर्थडे है। अपने रजनीकांत सर का क्यों हिला डालाना? रजनीकांत सर जो इंसान बस में टिकट बेचता था और आज वो कहाँ है भैया? शिवाजी द बॉस, बॉस टकलू बॉस, वो इंसान और उसकी फिल्म जगत से जुड़ी एंटरटेनिंग चीजों से लेके ना उसकी लाइफ अगर देखूं इतनी इंस्पिरेशनल है ना। और आज मैं बात करूंगा रजनी ब्रांडिंग के बारे में, उससे बिजनेस जगत से जुड़े लोग और कॉर्पोरेट वर्क से जुड़े लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे अपने रजनीकांत सर के बारे में। मेरा नाम है गगन अरोरा और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। सबसे पहले ना आप रजनी ब्रांड से ये सीख सकते हैं कि आप खुद को ना अलग कैसे बनाएं। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके कई सालों के हार्ड वर्क से बनता है, लेकिन रजनी सर की जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, उनका जो स्टाइल है ना, उनका जो तरीका है, मानोगे आप कोई भी सेलिब्रिटी उन्हें कॉपी तक नहीं कर पाता है। उनका चश्मा पहनने तरीका, उनका सिगरेट जलाने तरीका, उनका ऐसा शिवाजी तक बॉस करना, वो भैया अलग है। भैया रजनी ब्रांड से ना दूसरी चीज जो सीखने वाली है वो है नो योर कस्टमर। अपने ना कस्टमर को पहचानो, क्योंकि भैया ग्राहक ही भगवान है, ठीक है। अब रजनी सर की जो फिल्में रही है उसे दुनिया भर में ना हर वर्ग का आदमी देखता है। हर इंसान छोटे से लेकर बड़े तक हर इंसान उस फिल्म को देखता है, लेकिन भारत में आज भी मध्यम वर्ग ना रजनी सर को अपना भगवान मानता है। क्योंकि रजनी सर की जो फिल्में हैं ना, वो अपनी फिल्मों में जो अपना एक्ट कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ठीक है। उसमें कहानी ऐसी है जो मध्यम वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई है, इसलिए वो उन्हें भगवान की तरह देखते हैं, वो उनमें खुद को देखते हैं। तो भैया एक बात तो आपने सुनी होगी, इमोशनल अपील ऑलवेज वर्क्स। रजनीकांत सर की जितनी लाइफ इमोशनल रही है ना, बस कंडक्टर से लेके इतना बड़ा इंसान बनना, उनकी लाइफ कोई आसान नहीं रही। इतनी इमोशनल लाइफ रही कि उनकी फिल्म जगत से जो दुनिया है ना, जो हम फिल्म में देखते हैं, उसमें भी वो इमोशनल से ही किरदार निभा रहे होते हैं। उसमें भी वो फिल्मों में लड़ रहे हैं, परेशान हैं, अमीर हो गए, बर्बाद हो गए, 100 चीज़ें जो होती हैं डेली लाइफ में, इसी तरह के संघर्ष करते हैं जो एक मिडिल वर्ग का इंसान करता है, इसलिए लोग उनसे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होते हैं। हैप्पी बर्थडे रजनी सर। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों से कि जागरण बिजनेस का जो यूट्यूब चैनल है ना, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर देना, और लेकिन इसके कमेंट्स में ना हैप्पी बर्थडे रजनी सर जरूर लिखना। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।